हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर बनाओ। आई एम प्राची पांडे, नीट में टॉप पर्सनिंग बी एम ए सेकेंड प्रोफेशन फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार आयुष काउंसलिंग स्टे राउंड टू की, जिसकी की अपडेट आई है। आपके चॉइस फिलिंग कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस, शेड्यूल, सब कुछ आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। ओके, तो मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि आपके चॉइस फिलिंग प्रोसेसेस कैसे करने हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बिहार आयुष काउंसलिंग की वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट में आपको यूजी मैक आयुष 23 यहाँ पे आप ये देख सकते हो एक पीडीएफ आई है। तो इस पीडीएफ को हम ओपन करके देखते हैं कि क्या हमारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, कैसे हम चॉइस फिलिंग करना है। ओके, तो आप इस पीडीएफ में देख सकते हो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल्स, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो इसमें दिया आपको वो मैं बताती हूँ। ओके, तो इसमें आप देख लो फर्स्ट पॉइंट जो दिया है, ये फर्स्ट पॉइंट क्या है कि आपको चॉइस फिलिंग ऑनलाइन करनी है या फिर काउंसलिंग में स्टे राउंड टू में पार्टिसिपेट करना है, तो आपको ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ यूजी मैक आयुष 2023 पे क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको अपनी डिटेल्स फिल करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देना है। ओके, देन रजिस्ट्रेशन के बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन आपने किया, अपनी आईडी और पासवर्ड आपने क्रिएट किया। ओके, तो पासवर्ड आपका क्रिएट करने के बाद आप यूज़र आईडी और पासवर्ड, मींस यूज़र आईडी में आपको ईमेल आईडी डालनी होती है। ओके, तो आईडी और पासवर्ड डाल के आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करना है। ओके, और आपके लॉगिन करने के बाद आपका मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों वेरीफाई होता है। ठीक है, तो रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल पे ओटीपी आती है। ओके, तो इससे आपको ओटीपी जब आप उसमें फिल करते हो तो आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों ही क्या होते हैं, वेरीफाई हो जाते हैं। ठीक है, ना नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, आप इसमें थर्ड पॉइंट देख लो। थर्ड पॉइंट देखने से पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, दिस वन। ओके, तो ये नोट में क्या है कि आपकी रजिस्ट्रेशन, चॉइस लॉकिंग, अनलॉकिंग, जो भी प्रोसेसेस हैं सारे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे ओटीपी ऑथेंटिकेशन के थ्रू ही होंगे। ठीक है, मींस आपको जो ओटीपी आएगी उसके थ्रू ही आपका सारे वेरिफिकेशन, लॉकिंग, अनलॉकिंग सारे प्रोसेस होने हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप जो ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर डाल रहे हो वो करेक्ट होना चाहिए और वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उसी के पे आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट अब हम डिस्कस करते हैं। इसमें ये दिया है ना कि डबल ए ट्रिपल सी के अकॉर्डिंग या ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जिसको भी सीट पहले अलॉट हो चुकी है किसी भी राउंड में, ठीक है, वो स्टे वैकेंसी राउंड टू के लिए एलिजिबल नहीं है, रिमेंबर दिस। ओके, नेक्स्ट आपका फोर्थ पॉइंट क्या है कि यूजी मैक आयुष 2023 के अकॉर्डिंग स्टे वैकेंसी राउंड टू में जिनको भी सीट अलॉट होती है वो उसके बाद आपको सीट पे एडमिशन लेना कंपलसरी है, आपको कोई फ्री एग्जिट नहीं है, आप वो सीट नहीं छोड़ सकते। तो आपको ये पहले ही आपको सोच समझ के काम करना है कि आप क्या चॉइस फिलिंग करते हो, क्योंकि आपको अगर जो सीट मिली वही लेना पड़ेगा, उसमें आपकी कोई अपग्रेडेशन, कोई फ्री एग्जिट नहीं होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज यूजी मैक आयुष में जो भी स्टे वैकेंसी राउंड में एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, एलिजिबल मींस जिनको कोई सीट पहले अलॉट नहीं हुई, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, वो 21 नवंबर टू 23 नवंबर तक अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू डबल ए ट्रिपल सी के थ्रू अगर सीट अलॉट हो चुकी है तो इसमें वो आगे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, डबल ए ट्रिपल सी का रिजल्ट आ चुका है, तो आप इसके बाद भी अगर इस चॉइस फिलिंग या काउंसलिंग पार्टिसिपेट करते हो तो आप उसके लिए इनएलिजिबल हो गए हो। इसलिए आपको कोई भी इसमें दिमाग नहीं लगाना, ऐसा नहीं करना कि आपको उधर सीट अलॉट हो गई, आपको सीट पसंद नहीं है तो आपको यहाँ भी पार्टिसिपेट कर रहे हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, आपको जो सीट मिली है वो भी नहीं मिलेगी, आपके सिक्योरिटी मनी भी रिफंड नहीं होगी। ठीक है, तो आपको किसी भी तरह की चालाकी इसमें नहीं करनी है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका सिक्स पॉइंट क्या है, सिक्स इसमें यह है कि जो भी आपने चॉइस फिलिंग की है ना, वो सारी आपकी चॉइस फिलिंग की जो लिस्ट होगी उसका एक पीडीएफ होता है। ठीक है, तो वो आपके ईमेल आईडी पे भेज दी जाएगी कि आपकी चॉइस फिलिंग कैसे थी, उसकी आपका सीक्वेंस क्या है। ठीक है, तो क्योंकि ये बाद में ना ये आपको पीडीएफ का प्रिंट लेके जाना पड़ता है, आप एडमिशन के टाइम जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हो ना तो आपका ये डॉक्यूमेंट एक ये भी होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्या है, जिन स्टूडेंट्स ने चॉइस फिलिंग की है उसी अकॉर्डिंग उनको सीट अलॉट होता है। ठीक है, आपको इस चॉइस फिलिंग देखनी है किस नंबर पे आपने कौन से कॉलेज की चॉइस फिलिंग की है, क्योंकि वो अपने से सीट आपको नहीं देते, आपने जैसे चॉइस फिलिंग की होती है ना उसी अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉट होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एट्थ पॉइंट क्या है कि आपका रिजल्ट देखने के लिए आप अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे, जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड रजिस्ट्रेशन के टाइम क्रिएट किया था उसमें लॉगिन करके आपको अपना अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करना है। ठीक है, वो आपका अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करना है, उसके बाद आपको अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करने के बाद आपको अपने नोडल सेंटर पे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन के प्रोसेस के लिए। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं क्या है शेड्यूल। ठीक है, शेड्यूल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बट एक बार आप फिर से देख लो, सीट मैट्रिक्स पहले पब्लिश हो चुकी है, रैंक कार्ड पब्लिश हो चुकी है 20 को, स्टार्टिंग डेट जो है आपका चॉइस फिलिंग 21 टू 23 नवंबर है, आपको अच्छे से चॉइस फिलिंग करनी है ये बात आप ध्यान रखो। देन आपका रिजल्ट पब्लिकेशन डेट 25 है, अलॉटमेंट ऑर्डर आप डाउनलोड कर सकते हैं 25 टू 27 नवंबर, एंड आपका लास्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन की डेट है 26 टू 27 नवंबर। ओके, नेक्स्ट आपका है डॉक्यूमेंट्स,
आपको मीन सीट अलॉट होने के बाद नोडल सेंटर पर जब आप जाओगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है वो भी मैं इसमें डिस्कस करती हूँ। ओके, फर्स्ट क्या, आपका नीट का ओरिजिनल एडमिट कार्ड होना चाहिए, देन आपका रैंक कार्ड जो पब्लिश हुई है यूजी में का, ठीक है। देन आपके पास चॉइस स्लिप, जो मैंने बताया कि ईमेल आईडी पे आपकी चॉइस की पीडीएफ आएगी उसका प्रिंट आउट होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट, आपके पास जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर है ना उसकी 3 कॉपीज होनी चाहिए, प्रिंट होना चाहिए आपके पास। देन 10th और 12th के सारे पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड सब कुछ होना चाहिए। ओके, देन आपके पास बिहार की रेसिडेंसी मीन्स निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपका है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अपना लेके जाना है। 6 कॉपीज आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, देन आपके आधार कार्ड की कॉपी, उसके बाद आपको डाउनलोडेड प्रिंट ले जाना है। जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया है ना उसमें आपके 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी, उसको डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट निकलवाना है, वो आपको लेके जाना है। उसके बाद एक चेक स्लिप मिलती है हमें, ठीक है, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के बाद। उसके बाद क्या होता है कि और अदर डॉक्यूमेंट्स अगर आपके कुछ हैं, EWS हो या कोई आपका कोटा का सर्टिफिकेट हो, DQ सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी कोटा, ठीक है, कुछ भी सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा जो है आपको लेके जाने, और सारे सर्टिफिकेट्स आपके ओरिजिनल फॉर्म में होने चाहिए। तो आपको एक बार ध्यान रखना है कि सीट अलॉटमेंट हो गई, अब नोडल सेंटर पर जब जाना है जो आपकी डेट है, ठीक है, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आपको एक दिन पहले सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक करना है, आपको सारे अपने ओरिजिनल एंड जेरोक्स दोनों लेके जाना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आपकी चॉइस फिलिंग में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आई होप इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको अपनी काउंसलिंग में कोई भी हेल्प चाहिए, हमारे एक्सपर्ट से कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए गूगल फॉर्म को फिल करिए, या फिर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू आप हमारे एक्सपर्ट से चैट भी कर सकते हैं, कोई भी हेल्प ले सकते हैं। लिंक सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप नए हो तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।